असलम डेयर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर पेपर सेक्शन सी आपके पेपर में जे के बोस टेंथ क्लास के एग्ज़ाम में सेक्शन सी लिटरेचर यानी क्वेश्चन आते हैं कुछ और इसमें जो आपको आंसर्स लिखने होते हैं वो हंड्रेड वर्ड्स तक लिखने होते हैं ठीक है तो इसमें ऑलमोस्ट आपके छः से सात क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके मार्क्स हम मैक्सिमम यहाँ पर फाइव रखते हैं ठीक तो है तो फाइव मार्क्स हैं दैट मीन्स थर्टी टू थर्टी फाइव आप यहाँ पर अच्छे से स्कोर कर सकते हो ठीक है यहाँ पर कुछ इस चैप्टर में मतलब इस सेक्शन में एक्चुअली कुछ इम्पॉटेंट क्वेश्चन या कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाए हैं जो आप देख सकते हो लेट स्टार्ट वाट इज़ अ सर्मन हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर ये क्वेश्चन है जिसमें सिद्धार्थ गौतम के बारे में हमने पढ़ा था ठीक है प्रो सेक्शन में तो ये क्वेश्चन टू थाउजेंड सेवेंटीन के तीनों सेट्स में आया था फिफ्टीन एंड फोर्टीन में भी आया था ठीक है तो इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा भी गया है रिपीटडली ठीक है सेम चैप्टर में से वेन हर सन डाइज किस्सा गौतमी गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस What does she ask for? Does she get it? Why not? ठीक है 2019 में पूछा गया After that, what do you think Issa Gautami understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? 2017 में पूछा गया उसके बाद an excellent father के कुछ questions है यहाँ पर ठीक है वो हम देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर सेक्शन सी में हर साल आता ही आता है दो तीन आते ही आते हैं तो यहाँ पर ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिज बेनन रिसेंटली यानी लास्ट ईयर पूछा गया है वट डज़ मिसिज बेन टेल हर गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सलेंट फादर टू थाउजेंड सिक्सटीन में सेम क्वेश्चन टू थाउजेंड सेवेंटीन में भी और टू थाउजेंड फोर्टीन में भी ऑलमोस्ट ये सेम ही है ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से वर्ड्स उधर इधर हैं Why डज Mrs. बेन इंसिस्ट हर husband टू मीट मिस्टर बिंगले ये 2015 में पूछा गया है अब यहाँ पर खाली ये वाला क्वेश्चन आया है ले चैप्टर से मैंने यहाँ पर डाला है गलती से बाकी जो आप क्वेश्चन देखोगे वो सेम चैप्टर से ही है ठीक है हाउ डज Mama Ji स्टैंड आउट एज an इंडिपेंडेंट एंड resilient लेडी 2018 थाउजेंड और टू में पूछा गया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ पापा जी टू थाउजेंड फोर्टीन में और ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैंने ये भी डाल दिया ठीक है स्केच द कैरेक्टर ऑफ मामाजी पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द लेसन पापाजीज मॉथ ये फिफ्टीन में पूछा गया और यहाँ पर एक क्वेश्चन यू नो ये नेक्स्ट स्लाइड में होना चाहिए था लेकिन मैंने ये गलती से यहीं uh, लिखा है राइट अ पैराग्राफ ऑन जनरेशन गैप एज पुट रीड इन द स्टोरी अभीले 2015 में ये पूछा गया है ठीक है तो अभिले के क्वेश्चंस वहां पर एक है और यहाँ पर आप देखो वाई डिड एंड अभिले रिकग्नाइज डोलमा एंड वाई डिड शी कॉल हर अमीम साहब टू में भी पूछा गया और शायद 2016 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है वट आर द मेजर थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अभिले 2017 एंड 2019 में पूछा गया स्केच द कैरेक्टर ऑफ अभिले 2016 में स्केच आता ही आता है दो तीन ठीक है ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन द शॉर्ट स्टोरी अभीले 2014 में कमेंट ऑन द मेजर थीम्स ऑफ अभीले 2014 में ये आप देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है नाउ भोली से ये भी बहुत अच्छा, अच्छा शॉर्ट स्टोरी है आपके बुक में हाउ डज भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल और ये 2018 और टू सिक्सटीन में पूछा गया है फॉर वट अनयूजल रीजन बोली इज सेंट टू स्कूल टू थाउजेंड सेवेंटीन में कमेंट अपॉन द मेजर थीम्स ऑफ बोली टू थाउजेंड सिक्सटीन में ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली अगेन कैरेक्टर स्केच ठीक है टू थाउजेंड फिफ्टीन में पूछा गया वाई डिट बोली रिफ्यूज टू मैरी द रिच ओल्ड मैन टू थाउजेंड सॉरी फोर्टीन में पूछा गया ओके okay? नाउ गिव आ, ये प्रपोजल का है ठीक है चैप्ट ये ना प्ले है एक्चुअली आपके बुक में प्रपोजल ठीक है इसमें भी आप देखो रिपीटेडली क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज़ फार एज़ योर सेक्शन सी इज़ कंसर्न गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो 2017 एंड 2018 में पूछा गया डिस्क्राइब द फर्स्ट कॉरल बिटवीन लोमो एंड नटालिया इन योर ओन वर्ड्स 2017, 18, 16, 14 इतने सालों में ये रिपीटेडली हर सेक्शन में आया है आई मीन टू से हर सेट में आया है आपके सेट्स होते हैं ना अलग अलग सीरीज होती हैं आपकी गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया 2019, 17, 15, 14. गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ चुबको 19, 17, 16 एंड 15. गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो ये लोमो का ही कैरेक्टर स्केच है लेकिन थोड़ा सा आपको लिखना है इसके साथ कंपेयर करना है नटाली का कैरेक्टर जस्टिफाई द टाइटल ऑफ प्ले द प्रपोजल 2015 और 14 में लेकिन आप देखो अगर हम आप देखोगे 14 से लेकर 19 तक इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चन आए ही आए हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज़ फार एज़ पेपर्स आर कंसर्न जो मैंने रीड किए इतने सारे पेपर्स ठीक है सो इट्स मू टू नेक्स्ट चैप्टर ये एनी फ्रेंक का चैप्टर है वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ फैमिली डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर टू थाउजेंड एटीन में आया है इन विच लैंग्वेज वॉज द डायरी ऑफ एनी फ्रेंक ऑरिजनली रिटर्न ये टू थाउजेंड सेवेंटीन में भी आया है और अगेन वट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे सेवेंटीन में सिक्सटीन में ये अगेन आया है किसी और सीरीज में ठीक है सीरीज में तो रिपीट हो रहा है एक दो क्वेश्चन चेंज होते हैं सेक्शन सी में बाकी सारा सेम होता है हर सीरीज में एनी सीज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल इज मिस्टर कीजिंग अनप्रडिक्टेबल हाउ 2014 में पूछा गया है ये अब ये आपका पहला चैप्टर है बुक में हुँ? तो इसमें सिक्सटीन सेवनटीन एटीन में रिपीटेडली डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं what was the curious episode that took place in the clergyman's study the scientist was furious what did he do in anger why were the people in the bar horrified seventeen gaya hai. what did grafen do inside the shop how did he escape from the london store 2016 mapuchagaya ये मंडेला uh, चैप्टर जो फ्रीडम है फ्रीडम वाला चैप्टर ठीक है नल्सन मंडेला का ये है इसके क्वेश्चन फिफ्टीन सेवनटीन एटीन में आए हैं इसके क्वेश्चन हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस ये तीन बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन ठीक है हाउ डिड मंडेलाज हंग फॉर फ्रीडम चेंज हिज़ लाइफ टू थाउजेंड फिफ्टीन में पूछा गया है ठीक है अगेन यहाँ पर हम देखेंगे नेकलेस का चैप्टर है इसमें भी आप देखो 2015 से 19 तक रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जराजिम 2019 थाउजेंड वेर डिड जराजिम बीन वर्किंग व्हाई डिड ही रिटर्न टू हिज वलेज 2017 थाउजेंड कैरेक्टर स्केच ऑफ जरासिम तो दर्स ऑफ लॉ लॉइस लाइफ चेंज ड्यू टू दैकलेस कमेंट ये तीन बार पूछा गया है ठीक है ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरन ई फ्रॉम द स्टोरी ये टास्क से लिया गया है मैंने यहाँ पर डाला है इसका क्वेश्चन अच्छा इसके बाद घाट वाले चैप्टर में ठीक है शाहिद के बारे में जिसके बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो इसमें पूछा गया है ऑल्टरनेटिव ईयर्स ये फिफ्टीन में पूछा है ये सेवनटीन में ये 19 में पूछा है क्वेश्चन हाउ डज शाहिद फेस डेथ डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन हाउ डिड शाहिद फेस डेथ व्हाट लेसन व्हाट लेसन इज़ देअर फॉर द रीडर तो सेम ही क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें सेकंड पार्ट डिफरेंट है हाउ वॉ शाहिद्स रेपूटेशन एज अ टीचर अमंग हिज स्टूडेंट्स टू थाउजेंड फिफ्टीन सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सेक्शन में हर क्वेश्चन के अगर पाँच मार्क्स हैं तो दैट मीन्स आपको हंड्रेड वर्ड्स तक लिखना है ठीक है ये बात आप याद रखिएगा सो नेक्स्ट वीडियो पोइट्री के सेक्शन में कुछ होता है मतलब इस सेक्शन में होते हैं कुछ क्वेश्चन पोइट्री से रिलेटेड तो वो इन श next day again that means inshallah tomorrow. Thank you best of luck and have a nice day.